जय माता दी। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को किचन किंग स्पेशल डिश की तरफ से नवरात्रि और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी में मैं आपके साथ अष्टमी और नवमी के दिन माता के भोग के लिए बनाई जाने वाली हलवा पूरी और काले चने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक कटोरी काले चने को रात भर के लिए भिगो करके रखा था, जिसे कि ये अच्छे से फूल गए हैं। और अब इसे हम कुकर में डाल देंगे और अब इसमें हम एक छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और आधी गिलास पानी डाल देंगे, जिसे कि अच्छे से पक जाएगी। और अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे गैस पर रख देंगे और दो सीटी आने तक इसे पकने देंगे। कुकर में दो सीटी आ गए हैं, तो अब इसे हम प्रेशर खुलने तक इंतजार करेंगे। तब तक हम पूरी बनाने के लिए आटा लगा करके तैयार कर लेते हैं। तो पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो कटोरी गेहूं का आटा लिया है और अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और एक चम्मच तेल डालेंगे। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए, पूरी बनाने के लिए आटा लग करके तैयार है। और अब इसे हम ढक देंगे और ढक करके इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि आटा अच्छे से फूल भी जाएगी। तब तक हम हलवा बना लेते हैं। तो हलवा बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है और अब इसमें हम दो बड़ी चम्मच घी डालेंगे और घी के मेल्ट होते ही इसमें हम एक कटोरी सूजी डालेंगे और सूजी को हम अच्छे से भून लेंगे और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ही हम सूजी को 7 से 8 मिनट तक अच्छे से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। और ये देखिए, सूजी हल्की हल्की सी भूनने लगी है और इसका कलर भी चेंज होने लगा है। तो अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 बादाम लिए हैं, 5 काजू ली है, थोड़ी सी पिस्ते लिए हैं और थोड़ी सी किशमिश लिए हैं। और अब इसे हम सूजी में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सूजी के साथ इसे अच्छे से भून लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है वो आप इसमें डाल सकते हैं। और इसे अलग से भी आप फ्राई करके डाल सकते हैं या फिर इस तरह से सूजी के साथ इसे फ्राई कर सकते हैं। और ये देखिए, सूजी अच्छे से भून गई है और इसी के साथ ड्राई फ्रूट भी अच्छे से भून गए हैं। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था, उस कटोरी से हम इसमें 3 कटोरी पानी डाल देंगे और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम लो फ्लेम पर अच्छे से पकने तक इसे पका लेते हैं। और साथ ही इसमें हम केसर वाला दूध डाल देंगे। तो केसर को मैंने थोड़े से दूध में डाल करके रखा था, इसे हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर हम सूजी को अच्छे से गाढ़ी होने तक पका लेंगे। और ये देखिए, सूजी पक करके अच्छे से गाढ़ी हो गई है और अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो मैंने जिस कटोरी से सूजी लिया था, उतना ही चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ। चीनी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें चीनी डाल दीजिए और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2-3 इलायची भी इसमें कूट करके डाल दिया था, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से सूजी का हलवा बन करके तैयार है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब हम चने को देख लेते हैं। कुकर का सारा प्रेशर निकल चुका है और ये अच्छे से ठंडी भी हो गई है, तो अब इसे हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, चने अच्छे से पक गए हैं, ये देखिए अच्छे से मैश हो रही है। तो अब इसे हम बना लेंगे। तो चने को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और अब इसमें हम 3 छोटी चम्मच तेल डालेंगे और तेल के गर्म होते ही इसमें हम 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और साथ ही थोड़े से करी पत्ती डालेंगे, एक हरी मिर्च डालेंगे और 1 छोटी चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे और सभी चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डाल देंगे। तो मसालों में मैंने 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर की जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। और सभी मसालों को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे और मसाले को भूनते समय हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। और ये देखिए, सभी मसाले अच्छे से भून गई है और अब इसमें हम चने को डाल देंगे
और इसे हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे हम अच्छे से पका लेंगे। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका सारा पानी सूख ना जाए। और ये देखिए, ये अच्छे से पक गई है और इसका सारा पानी सूख गया है। और ये देखिए, इस तरह से हमारे चने बन करके तैयार है। ये चने बहुत ही जल्दी से बन जाती है, इसे बनाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है और बहुत ही स्वादिष्ट ये चने बन करके तैयार हुई है। और अब इसमें हम थोड़े से हरे धनिये की पत्ती डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इस तरह से ये चने बन करके तैयार है। तो अब गैस को बंद कर देंगे और अब हम पूरी बना लेंगे। तो आटे को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, आटा बहुत ही अच्छे से फूल करके सेट हो गई है। तो इसे हम एक बार और अच्छे से मसल लेते हैं और अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसकी लोइयां बना लेंगे पूरी के लिए। तो इस तरह से हम आटे की लोइयां बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से लोइयां बना ली हैं और अब हम इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पर हम चकले और बेलन में थोड़े से तेल लगा करके ग्रीस कर लेंगे और इसे हम इस तरह से छोटे छोटे बेल लेंगे। पूरी की साइज को आप अपने अनुसार छोटा या बड़ा रख सकते हैं। जितना बड़ा आप पूरी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से लोइयां बना लीजिए और इस तरह से बेल लीजिए। तो हम सभी को इस तरह से बेल लेते हैं। पूरी तलने के लिए मैंने गैस पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल अच्छे से गर्म हो गई है। तो हम इसमें पूरी डाल देंगे और इस तरह से हम कलछी से इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, हमारी पूरी बहुत ही अच्छे से फूल गई है और इसे हम दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये हमारी पूरी बन करके तैयार है। तो इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी की भी पूरियां बना करके तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए, इस तरह से पूरियां भी बन करके तैयार है। तो इस तरह से आप भी बहुत ही आसान तरीके से माता के भोग के प्रसाद के लिए हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिए। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।